हेलो एवरीवन, दवा जानकारी में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन के बारे में। डिस्कस करेंगे वीडियो में ये जो मार्केट में इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन आता है, कौन सी कंपनी प्रोडक्ट को बनाता है, इसका पैकिंग, प्राइस, कॉन्टेंट के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सी बीमारी में इस दवा को आप यूज कर सकते हो, इसका लेने का सही तरीका और साइड इफेक्ट के बारे में, तो पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जरूर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले यदि इस चैनल पर आप नए आए हो तो जरूर दोस्तों दवा जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जैसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली और मुफ्त मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मार्केट में जो इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन आता है एक्चुअली इंटरलैब का बना हुआ एक प्रोडक्ट है, जिसका दोस्तों एक बोतल में 60 ml का पैकिंग रहता है और ये 60 ml का बोतल आपको हर एक मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप में ओनली 84 rupees में इजीली उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों ख्याल रखिए ये एक शेड्यूल एच ड्रग का प्रोडक्ट है, तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस दवा के अंदर जो कॉन्टेंट का इस्तेमाल किया गया है वो है दोस्तों ओफ्लोक्सासिन 50 mg, मेट्रोनिडाजॉल 120 mg, सेमिथिकॉन 10 mg। दोस्तों इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन में जो कॉन्टेंट का इस्तेमाल किया गया है ओफ्लोक्सासिन, ये एक फ्लोरोक्विनोल ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है और इन्फेक्शन को क्योर करने का काम करता है। इनके अलावा दोस्तों इसमें जो मेट्रोनिडाजॉल का इस्तेमाल किया गया है, ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि पैरासाइट बैक्टीरिया को मार के बीमारी को ठीक करने का काम करता है। और सिमेथिकॉन दोस्तों एक एंटी फ्लोमिंग दवा है जो कि गैस को तोड़ के हमारे बॉडी से गैस को निकलने का काम करता है। साथ ही में बने हुए दोस्तों मल्टी कॉम्बिनेशन में ये सिरप बीमारी को ठीक करने का काम करता है। इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन का उपयोग छोटे बच्चों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से बच्चों को दस्त लग जाना, मतलब डायरिया हो जाना, इनके कारण पेट में मड़ोरे आता है, पेट में गैस बन जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ साथ बच्चों 3 से 4 बार ये इसका अधिक भी बच्चों लूज मोशन जैसे लेटिन जाता है या खून वाले दस्त हो जाता है। इन सभी की ट्रीटमेंट में दोस्तों डॉक्टर इस सस्पेंशन को प्रेस्क्राइब करता है और बहुत ही शानदार एक रिजल्ट आता है इसका यूज़ करने से। इनके अलावा भी इस सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है डिसेंट्री नामक बीमारी की ट्रीटमेंट में। इस कंडीशन में भी दोस्तों बच्चों को जो पेट होता है मड़ोरे जैसा आ जाता है, पेट फूल जाता है और लूज मोशन जैसे कई बार लेटिन जा सकता है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के दोस्तों डॉक्टर इस सस्पेंशन को प्रेस्क्राइब करता है। तो ये था दोस्तों इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन का यूज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि बात किया जाए तो सस्पेंशन के डोसेज के बारे में, तो जरूर दोस्तों डोसेज के बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि जो डोसेज होता है बच्चों का वजन, उम्र और डिसीज का जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर कैलकुलेट करके डोसेज देता है। इन जनरली यदि बात किया जाए तो 2.5 ml का डोसेज दिन में 2 बार सुबह शाम डॉक्टर लेने को सलाह देता है। जरूर दोस्तों डोसेज के बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे दोस्तों एक बहुत ही सेफ और अच्छा दवा है, लेकिन सम कंडीशन में यदि ये दवा बच्चों में सूट नहीं हुआ तो कुछ कुछ साइड भी हो सकता है, जैसे बच्चों का जो टेस्ट है वो परिवर्तन हो सकता है, मतली आ सकता है, उल्टी हो सकता है, मुंह में सूखापन जैसा रह सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और बुखार भी आने का संभावना हो सकता है। ये और इनके अलावा दोस्तों यदि इनको साइड इफेक्ट आपको दिखाई दिया तुरंत दोस्तों सस्पेंशन को स्टॉप करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जैसे आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो ये था दोस्तों इन्फ्लुविट प्लस सस्पेंशन के बारे में सब कुछ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह आने वाले कई और वीडियो को देखने के लिए दवा जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।